नेता को रंजीत जी। अरे यार खिलाओ ना ये भाई। हाँ तेजर सा रुक जा, बैठा 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 ए ए ए ए चल ही नहीं। चलो भैया चलो भैया भैया हम मेरे तरफ पीछे जैसा भैया। अरे एक समय पीछे जैसा ही नहीं भाई जैसा हम लोग कहला बुलाते हैं जितों का हम बेकार रहते हैं। देखो एक कैंडल दीजिए ना। ए भाई हिला ये भाई हिलाओ मत यार। अरे यार तेन तुर मस्तक लिखिया लिखा तन तन सत्संगत जित हर रस पाया मिल जनु नानक नाम कर दास रान चित वह उत्तम जा आहर हर जीव करिया सैर पत्थर मह जंतु। देखिए प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर हम आज गुरुद्वारे में अरदास करने आए और साथ साथ नमामि गंगे का संदेश भी देना चाहते हैं। माता गंगा से और गुरु सिंह महाराज का बड़ा अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि जब गुरु महाराज जी बचपन में जब यहाँ थे तो एक कंगन उनका गिर गया था साधु महाराज का और लोगों ने कहा कि मेरा कंगन गिर गया है तो उन्होंने दूसरा कंगन निकाल के दिया। तो माँ गंगा से और गुरु महाराज का बड़ा अटूट रिश्ता रहा है। तो आज गुरु के इस दरबार में हम नमामि गंगे की बात भी कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि माँ गंगा को पवित्र रखें, अविरल बहती रहें गंगा, ताकि पटना सिटी का जो कंगन घाट है वहाँ गंगा और गुरु ये दोनों का जो समन्वय हुआ है उसका हम ठीक से लोगों के सामने विस्तार से उसकी सफाई भी करें और उसको सुंदर बना के रखें। आज क्या किए आज आपको यहाँ पर? आज यहाँ मैंने कहा गुरु महाराज के आंगन में आकर के हम लोगों ने अरदास अभी करेंगे, उनके नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना करेंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे उनको लंबी उम्र दें, स्वस्थ रखें ताकि वो देश की सेवा करते रहें और साथ साथ जैसा मैंने कहा आपसे कि माता गंगा से गुरु गोविंद सिंह महाराज का जो संबंध रहा है उस नाते हम लोगों ने नमामि गंगे का भी दीप जलाया है और दीपोत्सव मना करके हम उस बात को प्रकट कर रहे हैं।